नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और चले रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। फटाफट अंदाज में आपको गांव की खबरें दिखाएंगे। बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर का दौरा किया। इस दौरान उदय नारायण चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला किया है और आगामी चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया। सहरसा के बनना इटहरी ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हथमंडल गांव में छापेमारी की और जिला बदमाश विलास शर्मा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शातिर बदमाश विलास शर्मा के पास से एक देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद की है। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र के भेलवा गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से एक 4 साल के मासूम बच्चे की गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिल रही है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया। सहरसा के बैजनाथपुर पुलिस शिविर क्षेत्र में दबंगों ने एक परिवार का जीना मुश्किल कर दिया। दबंगों ने परिवार के घर के रास्ते को जेसीबी से 4 फीट गड्ढा खोदकर परिवार का आना जाना बंद कर दिया। पीड़ित परिवार ने दबंगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। बावजूद इसके पुलिस इस मामले में मौन है। सहरसा के सौर बाजार प्रखंड का 63वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति दी। छात्राओं ने बाल विवाह और दहेज प्रथा पर आधारित लघु नाटक की प्रस्तुति से लोगों को बाल विवाह और दहेज जैसी कुरीतियों को मिटाने के लिए जागरूक किया। सहरसा के सौर बाजार प्रखंड के चंदौर पूर्वी में अलाव की चिंगारी से 4 घरों में आग लग गई और देखते ही देखते चारों घर जलकर राख हो गए। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस पर आगजनी में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सहरसा के सप्तियाही मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ऑटो पर सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं घटना के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। बेगूसराय में तेघड़ा थाना क्षेत्र के सरकारी जमीन पर मिट्टी कटाई से बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसमें पानी भरने से डूबने की घटना बढ़ जाती है। बेगूसराय में छौड़ाही प्रखंड के एंकबा में खेत के चारों तरफ लगे बिजली के तार की चपेट में आने से 2 पशुओं की मौत हो गई। बेगूसराय के अपग्रेड हाई स्कूल खरमौली में संघर्ष नाटक का मंचन किया गया। नाटक की रचना वर्ग 8वीं क्लास की छात्रा अदिति ने। समाज कल्याण समिति वीरपुर की तरफ से बेगूसराय का इतिहास और विभूति विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पंकज कुमार सिंह ने। बेगूसराय में वीरपुर प्रखंड के गेनहरपुर पंचायत में कंबल वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर 100 गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। गया के इमामगंज और रानीगंज लोक कला विकास मंच की तरफ से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डॉक्टर जगदीश की जयंती के मौके पर 500 से ज्यादा गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। गया में फतेहपुर प्रखंड के बौद्ध स्थल गुरपा पहाड़ के लिए हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं ने पैदल यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान पर्वत की चढ़ाई पर महाकश्यपा मंदिर में पूजा और साधना की गई। पूजा में ताइवान से आए 150 बौद्ध भिक्षु भी शामिल हुए। गया में इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के डॉक्टर जगदीश प्रसाद मेमोरियल अस्पताल में डॉक्टर जगदीश बाबू की 33वीं जयंती मनाई गई। गया में इमामगंज प्रखंड के केवाईपी के छात्रों ने इमामगंज एएसपी के नेतृत्व में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। भंडारक प्रखंड के दौलतपुर मध्य विद्यालय के भवन की सारी राशि निकाल लिए जाने के बाद भी भवन आज तक आधा अधूरा है। बाढ़ के अहिंसा प्रशिक्षण केंद्र में बेहतर प्रशिक्षण हासिल करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया गया। आत्मलगोला प्रखंड के चक्र दौलत गांव के अल्पसंख्यक बच्चों के बीच आरजेडी नेता मधु सिंह ने बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया। बाढ़ रेल पुलिस के हत्थे चढ़ा शराब तस्कर शौचालय जाने के बहाने शौचालय में वेंटिलेटर से फरार हो। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से तस्कर को फिर से पकड़ा गया, जिसके बाद रेल पुलिस की जान में जान आई।
बख्तियारपुर रेल स्टेशन पर रेल यात्रियों को सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने जागरूक किया। बख्तियारपुर के बरियारपुर गांव के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। स्थानीय प्रशासन ने किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मुकामा के शंकरवार टोला निवासी पुलिस के जवान दिलीप कुमार सिंह को राष्ट्रपति सम्मान के लिए चयनित किया गया है, जिसे लेकर इलाके में खुशी का माहौल है। मुकामा प्रखंड में जगह जगह पर लोगों का बैनर और पोस्टर के जरिए वोट का बहिष्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राजगीर केंद्रीय विद्यालय के चार छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। 28 और 29 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश के विभिन्न राज्यों से आए छात्रों से बातचीत करेंगे। नालंदा के कोणंद गांव में बांझपन का आरोप लगाकर पति और ससुराल के लोगों ने नवविवाहिता की करंट लगाकर हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने शव को कुएं से बरामद किया है, जिसके बाद परिवार के सभी लोग फरार हैं। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दीपनगर थाने के कंचनपुर गांव के पास NH-20 पर ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। नालंदा के गिरियक थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद विभाग और नालंदा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए राजगीर थाना इलाके के मार्क्सवादी नगर मोहल्ले में छापा मारकर 50 लाख रुपए की शराब बरामद की है। रिसा प्रखंड के कौशिक नगर निवासी महान समाजसेवी स्वर्गीय राम दहीन प्रसाद यादव की तीसरी पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। बिहार शरीफ में इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से हेलो टीचर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की तरफ से राजगीर परिसदन में कानूनी सलाह के लिए विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कटिहार के हसनगंज पुलिस ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर दीपक यादव 2 महीने पहले भी शराब तस्करी के जुर्म में जेल जा चुका है। कटिहार के बरारी प्रखंड में राष्ट्रीय पर्व बीत जाने के बाद बिखरे तिरंगे को समेट कर सम्मान भारत तिब्बत सहयोग पंच के युवा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने सलामी। आजमनगर प्रखंड समीप खजूर पेड़ से लटका हुआ पशु व्यवसायी का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कटिहार के बरारी प्रखंड में 50 साल से निःशुल्क शिक्षा देने वाले मुखिया बालकृष्ण पटेल को सम्मानित किया गया है। कोढ़ा प्रखंड के पिकहा में मिले शव को पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। मृतक किशन राय कई मामलों में वांटेड था। पुलिस ने आशंका जताई है कि किशन रॉय की हत्या लूट के बाद आपसी बंटवारे में गैंगवॉर में हुई है। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में झारखंड साहिबगंज SDPO नवल शर्मा और बिहार राज्य के मनिहारी SDPO उमाशंकर प्रसाद सिंह की आपात बैठक। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई और मनिहारी अनुमंडल थाना क्षेत्र और साहिबगंज अनुमंडल थाना क्षेत्र के अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर बात हुई है। कुर्सेला प्रखंड में NH-31 पर अनियंत्रित दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। सिवान में जीरादेई प्रखंड के धज्जू सिंह उच्च विद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सिवान में श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सिवान के पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश रॉय और CS डॉक्टर शिवचंद्र झा को सम्मानित किया गया। सिवान के चैनपुर में ज्ञान भारती स्कूल में बच्चों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। सिवान जिले के कई थानों में नए थाना अध्यक्षों ने अपना पदभार ग्रहण किया। सिवान के चैनपुर बाजार में एक घर में रखे गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे कि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। मोतिहारी के तेतरिया प्रखंड में प्रखंड स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन RJD नेता विनोद कुमार श्रीवास्तव ने किया। मोतिहारी के तेतरिया प्रखंड में महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। मोतिहारी के ढाका स्कूल में पत्रकार बनाम प्रशासन के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। दरभंगा के कमतौल निवासी राजेश कुमार ठाकुर ने गांव के 2 लोगों पर मारपीट और 2500 रूपये छीनने का आरोप लगाया। दरभंगा के केवटी प्रखंड में जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को गुटखा पान धूम्रपान नहीं करने की शपथ दिलाई गई। केवटी प्रखंड में शरारती तत्वों ने झंडा उखाड़ दिया, जिसे मुखिया विरोधियों की करतूत करार दिया गया है।
विधायक सुनील चौधरी ने नवादा में सीमेंट से बनने वाली ईंट फैक्ट्री का फीता काट कर उद्घाटन किया। नई तकनीक से ईंट निर्माण में युवाओं को रोजगार मिलेगा। केवटी में कैंसर जागरूकता शिविर का बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने उद्घाटन किया। गैसा घाट में मधुबनी सांसद हुकुम देव नारायण यादव को पद्म भूषण सम्मान मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। दरभंगा के सरजापुर पंचायत भवन परिसर में लहरा रहे राष्ट्रध्वज को कुछ उपद्रवियों ने उखाड़ दिया। पुलिस फोटो के आधार पर ऊपर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। छपरा में इसुआपुर के संस्कार दीप स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छपरा में मकेर के राजेंद्र स्कूल मंदिर के मेन गेट पर नक्सलियों ने एक जिंदा कारतूस के साथ पर्चा टांग दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से सीधा प्रसारण। मन की बात स्थानीय सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी के पैतृक आवास अमनौर में सांसद की मौजूदगी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सुना। उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए से जाने के बाद जेडीयू ने कुशवाहा जाति सम्मेलन का आयोजन छपरा के तरैया में किया। छपरा में बनियापुर के चंदन मार्केट से बजरंग नर्सिंग होम में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। तोड़फोड़ के बाद अस्पताल की तरफ से परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इधर परिजनों के बयान पर फर्जी चिकित्सक पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छपरा में पुलिस ने पहली पत्नी को छोड़ दूसरी शादी रचाने जा रहे दूल्हे को गिरफ्तार किया। छपरा में इसुआपुर प्रखंड के अग्वथर सुंदर पंचायत के मुखिया ने पंचायत की जनता को एम्बुलेंस सेवा प्रदान की। सीतामढ़ी में बेलसंड प्रखंड के मदनपुर पंचायत में सरकारी सुविधा का अभाव है। इस बस्ती में दर्जनों परिवार इंदिरा आवास से वंचित है। सीतामढ़ी में रीगा प्रखंड के बभन गामा चौक पर जल जमाव की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। शिकायत के बावजूद भी मामले में कोई सुधार नहीं है। सीतामढ़ी में सोनवर्षा प्रखंड के भगवानपुर प्राथमिक विद्यालय में 3 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को उतारा नहीं गया। सीतामढ़ी में रून्नीसैदपुर प्रखंड के हिरदुपट्टी गांव के लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां 1.5 साल पहले बिजली का पोल गाड़ दिया गया था, लेकिन आज तक यहां बिजली नहीं पहुंची है। बेतिया के नौतन प्रखंड में 2 अलग अलग जगहों पर 2 दुकानों में भीषण चोरी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेतिया के सिकटा प्रखंड का मुख्य सड़क काफी जर्जर हो गई है, बावजूद इसके अभी तक किसी भी अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली है। मंझौलिया थाना अंतर्गत मलाही टोला में पहले दबंगों ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और अब केस उठाने के लिए मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष थाने में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करा चुका है, लेकिन फिर भी आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नौतन प्रखंड में 8 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों के क्रिकेट टीम ने हिस्सा लिया। मंझौलिया प्रखंड के जीप स्टैंड में अनमोल आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ से गरीबों में 100 कंबल का वितरण किया गया। नरकटियागंज के दवा व्यवसायी की दुकान में चोरों ने सेंधमारी करते हुए 50,000 रुपए पर हाथ साफ कर लिया है। चोरी की वारदात CCTV में कैद हो गई। अरवल जिला मुख्यालय में जाम से लोगों को निजात नहीं मिल रहा है। आलम यह है कि रोजाना घंटों जाम लगा रहता है। अरवल जिले के कलेर थानाध्यक्ष साकेन्द्र कुमार को शराब के खिलाफ सफलता को लेकर एसपी ने पुरस्कृत किया। अरवल जिले के करपी प्रखंड के शहर तेलपा में अनियंत्रित ट्रक एक मकान में घुस गई, हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के टेरी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पानी की काफी दिक्कत हो रही है। अरवल जिले के करपी प्रखंड के बैर बिघा गांव में ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। फॉरबसगंज में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष करण कुमार पप्पू ने प्रियंका गांधी के राष्ट्रीय महासचिव बनने पर लोगों के बीच मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। फॉरबसगंज के भाग कोहलिया में ज्ञान निकेतन विद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। फॉरबसगंज के किरकिचिया में प्रशासन बनाम पब्लिक के बीच फैंसी फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। फॉरबसगंज के गांधी फील्ड में प्रोग्रेसिव यूथ क्लब की ओर से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आदर्श नगर में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा तोलन के दौरान फायरिंग किए जाने के मामले में एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समस्तीपुर पहुंचे। परिसदन में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
मुस्लिम आरक्षण मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज सिद्दीकी समस्तीपुर पहुंचे, जहां परिसदन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नौशाद अहमद नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दलसिंहसराय के आरबी कॉलेज मैदान में 3 दिवसीय महिला फुटबॉल खेल का आयोजन किया गया। हसनपुर प्रखंड के उच्च विद्यालय हसनपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मधेपुरा सांसद पप्पू यादव ने। दलसिंहसराय थाना परिसर में लोकसभा चुनाव को लेकर एसडीपीओ कुंदन कुमार ने सीमावर्ती इलाकों के थानाध्यक्ष के साथ क्राइम कंट्रोल की मीटिंग। दलसिंहसराय प्रखंड के रामपुर जलालपुर निवासी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम स्वरूप महतो की पत्नी देवकी देवी को सम्मानित किया गया। दुल्हन बाजार प्रखंड में रामपुर दुल्हन बाजार पथ निर्माण की स्वीकृति मिलने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है। 3 जनवरी को पटना की रैली की सफलता को लेकर विक्रम प्रखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अखिलेश कुमार गुड्डू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। पटना जिला अंतर्गत विक्रम प्रखंड के गोरखरी गांव में सीओ गिन्नी लाल प्रसाद ने पंचायत भवन और आरटीपीएस कार्यालय का उद्घाटन। पूर्णिया कृत्यानंद नगर प्रखंड के जूनी पंचायत में शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम के मौके पर आयोजित प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। पूर्णिया कस्बा प्रखंड में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दर्जनों मतदाताओं को शपथ दिलवाई गई। पूर्णिया रुपौली प्रखंड के अकबरपुर में अकबरपुर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता टीम के खिलाड़ी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुंगेर जिले के खड़गपुर में हवेली खड़गपुर राजेंद्र श्री कृष्ण उच्च विद्यालय के प्रांगण में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। धरहरा दक्षिण पंचायत स्थित पंचायत भवन के प्रांगण में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नवीन सिंह ने की। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण कार्य मंत्री से क्षेत्रीय विधायक शैलेश कुमार ने प्रखंड में चौमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड के गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के मिल्की गांव के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका उपचार गंगटा में कराया जा रहा है। टेटिया बंबर प्रखंड की सामुदायिक पुलिसिंग के तहत गंगटा थाने के सौजन्य से दूध दुनिया के मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन गंगटा थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने किया। पहला मैच मोतिहारी और पहाड़पुर के बीच खेला गया। पलामू में लेस्लीगंज प्रखंड के शाहद गांव में युवा जागृति के अध्यक्ष राजन सिन्हा के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। गणतंत्र दिवस के समारोह पलामू के सिंधु कानू मैदान में धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने शिरकत की। मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने उपायुक्त राजेश्वरी बी को जिले में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर मोमेंटो देकर सम्मानित। रामगढ़ में सूचना और जनसंपर्क इकाई रामगढ़ की तरफ से सुबह सवेरे कार्यक्रम का आयोजन सुबह 6 बजे किया। गढ़वा के कांडी में एक निजी कार्यक्रम में पलामू सांसद बीडी राम ने शिरकत की और कहा कि पुल मैं लाया हूं और तो इसे पूरा भी मैं ही करूंगा। कांडी में सुबह के स्वास्थ्य मंत्री सह क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी सतबहिनी झरना तीर्थ स्थल पहुंचे। उन्होंने हिंदू न्यास बोर्ड के तहत गठित यज्ञ संचालन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। भवनाथपुर के अवधूत भगवान राम आश्रम में 1 दिवसीय निःशुल्क मिर्गी बीमारी कैंप लगाया गया। भवनाथपुर टाइगर जनसेवा कमेटी के सदस्यों ने चपरी पंचायत के दुर्गा मंदिर में दिव्यांग युवक युवतियों के बीच कंबल का वितरण किया। भवनाथपुर के +2 उच्च विद्यालय के मैदान में प्रीमियम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 5 का उद्घाटन किया गया। लेस्लीगंज के कस्तूरबा विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई बच्चों ने हिस्सा लिया। मेदिनीनगर के परिसदन भवन में बीजेपी पार्टी की बैठक हुई। 2 फरवरी को पलामू चतरा और लोहरदगा में होने वाले शक्ति केंद्र सम्मेलन को लेकर चर्चा की। लेस्लीगंज के मिडिल स्कूल के प्रांगण में प्रशासन और आम जनता के बीच खेला गया क्रिकेट मैच। मोहम्मदगंज के पंसा गांव में कैलाश उच्च विद्यालय में छात्र छात्राओं की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डाल्टनगंज परिसदन भवन में पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस नेता अजय दुबे का हत्या का आरोप प्रशासन पर लगाया। कहा प्रशासन की लापरवाही से अजय दुबे की हत्या हुई। जामताड़ा में नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया में घर में आग लगने के बाद उस घर से किशोरी गायब हो गई।
नारायणपुर प्रखंड के पबिया में बीजेपी नेताओं ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। जामताड़ा जिले में 26 जनवरी को आयोजित झांकी में शिक्षा विभाग को प्रथम पुरस्कार मिला। नारायणपुर प्रखंड के मंजिलाडी पंचायत में सोशल ऑडिट की टीम ने बैठक की और पंचायत के गांवों से मनरेगा की जांच। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में बंदरचुआ पंचायत के शौचालय को पेंट। जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड के 4 पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य शुरू किया जाएगा। देवघर के देवीपुर प्रखंड के बुढ़ई में पिछड़ा जाति मोर्चे का कुआं गठन के साथ विशाल जनसभा करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 50,000 पिछड़ी जाति के लोग हिस्सा लेंगे। देवघर के सत्संग नगर में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने केक कटवाकर मिठाइयां बांटी। देवघर के देवीपुर प्रखंड के देवीपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्रम नियोजन मंत्री राज परिवार ने क्रिकेट खेलकर मैच का शुभारंभ किया। देवघर के सारण प्रखंड के सारठ में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने खेल समागम के मौके पर पुरस्कार वितरण किया, जिसमें सारठ एसडीपीओ को भी पुरस्कृत किया गया। देवघर में शिवगंगा के सरोवर तट पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के मन की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बैठक की। सारठ विधानसभा के पोलोजोरी प्रखंड में भूपेंद्र सेवा संकल्प का कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें तकरीबन 30,000 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मिर्जा चौकी बाजार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 100 मीटर लंबी तिरंगा झंडा फहराने को लेकर आज ही बाजार में चर्चा है। स्टूडेंट क्लब मिर्जा चौकी की तरफ से 100 मीटर लंबा तिरंगा लहराया गया। मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से शौचालय का निर्माण कराया गया, जिससे कि दिव्यांग यात्रियों में काफी खुशी देखी जा रही है। बरहेट प्रखंड के हाईस्कूल परिसर में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का प्रारंभ कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। ये यज्ञ 27 जनवरी से 7 फरवरी तक चलेगा। वीडीजे क्लब एवं लाइब्रेरी राजमहल की तरफ से 3 दिवसीय अंतर राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग को उपायुक्त संदीप सिंह ने पुरस्कृत किया। इस पुरस्कार को डीपीआरओ प्रभात शंकर ने उपायुक्त से ग्रहण किया। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम राजद चले गांव की ओर के तहत राजमहल प्रखंड के मोकिमपुर पंचायत सरकंडा निवासी गुलजार यादव और राजकुमार यादव को माला पहनाकर राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता दिलवाई गई। महाराजपुर के गंगा तट पर 12 फरवरी से 15 फरवरी तक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर महाराजपुर गंगा यज्ञ कमेटी ने बैठक की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।